महाभारत के युद्ध में कर्ण और अश्वत्थामा दो महाशक्तिशाली योद्धा थे। यदि इन दोनों के साथ छल न किया गया होता तो महाभारत का युद्ध कौरव कभी का जीत चुके होते। कहते हैं कि यदि अश्वत्थामा को पहले ही दिन सेनापति बना दिया जाता तो युद्ध 3 दिन के भीतर ही समाप्त हो जाता। लेकिन अश्वत्थामा को जब युद्ध लगभग हार चुके थे तब सेनापति बनाया गया। उन्होंने तबाही मचा दी। यदि इसी तरह कर्ण के साथ छल न किया गया होता तो युद्ध का रुख कुछ और ही होता। भगवान कृष्ण और अर्जुन के पिता देवराज इंद्र यह भली भांति जानते थे कि जब तक कर्ण के पास उसका कवच और कुंडल है तब तक उसे कोई नहीं मार सकता। तब श्री कृष्ण की युक्ति अनुसार देवराज इंद्र ने ब्राह्मण बन दानवीर कर्ण से दान में कवच और कुंडल मांग लिया। लेकिन कुछ मील दूर जाकर इंद्र का रथ भूमि में धस गया। तभी आकाशवाणी हुई, देवराज इंद्र तुमने अपने पुत्र अर्जुन की जान बचाने के लिए छल पूर्वक कर्ण की जान खतरे में डाल दी है। यह रथ यही धसा रहेगा और तू भी यही धस जाएगा। तब इंद्र ने आकाशवाणी से पूछा, इससे बचने का क्या उपाय है? तब आकाशवाणी ने कहा, अब तुम्हें दान दी गई वस्तु के बदले में बराबरी की कोई वस्तु देनी होगी। तब इंद्र कर्ण के पास वापस गए और उन्होंने कवच और कुंडल वापस देने के लिए कहा। लेकिन कर्ण ने दान में दी हुई चीजें लेने से इनकार कर दिया। तब इंद्र ने अपना अमोघ अस्त्र देकर कहा कि तुम जिस पर भी चलाओ वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, लेकिन तुम इसका इस्तेमाल सिर्फ एक बार ही कर सकते हो। युद्ध में जब घटोत्कच ने कौरवों की सेना को कुचलना शुरू किया तो दुर्योधन घबरा गया। ऐसे में उसे कुछ समझ न आ रहा था कि क्या करे। तब कृष्ण ने कर्ण से कहा, आपके पास तो अमोघ अस्त्र है जिसके प्रयोग से कोई नहीं बच सकता, तो आप उसे क्यों नहीं चलाते? कर्ण कहने लगा, नहीं, यह अस्त्र तो मैंने अर्जुन के लिए बचा कर रखा है। तब श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन पर तो तुम तब चलाओगे जब ये कौरव सेना बचेगी, ये दुर्योधन बचेगा। जब ये सभी घटोत्कच के हाथ मारे जाएंगे तो फिर उस अस्त्र को चलाने का क्या फायदा? दुर्योधन को यह बात समझ में आ गई और वह कर्ण से अमोघ अस्त्र चलाने की जिद करने लगा। कर्ण दुर्योधन को समझाता है कि तुम घबराओ नहीं, ये कृष्ण की कोई चाल है। लेकिन दुर्योधन एक नहीं सुनता और कर्ण को मजबूरन में अमोघ अस्त्र घटोत्कच के ऊपर चलाना पड़ता है। इस तरह भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बचा लेते हैं। कवच और कुंडल उतर जाने के बाद अमोघ अस्त्र ना होने के बावजूद भी कर्ण में अपार शक्तियां थी। युद्ध के 17वें दिन शल्य को कर्ण का सारथी बनाया जाता है। इस दिन कर्ण भीम और युधिष्ठिर से युद्ध कर उन्हें हरा देता है, परंतु कुंती को दिए हुए वचन के अनुसार उनके प्राण नहीं लेता। बाद में वह अर्जुन से युद्ध करने जाता है। कर्ण और अर्जुन के बीच मध्य भयंकर युद्ध होता है। जब अर्जुन बाण चलाते हैं तो कर्ण के रथ पर लगता है और कर्ण का रथ बहुत दूर पीछे तक चला जाता है। और जब कर्ण बाण चलाते हैं तो अर्जुन का रथ कुछ कदम ही पीछे हटता है। और ऐसे में श्री कृष्ण कर्ण की बहुत तारीफ करते हैं। जब अर्जुन भगवान से कहते हैं कि आप कर्ण की तारीफ क्यों कर रहे हैं, जिसके बाण से हमारा रथ मात्र कुछ कदम ही पीछे हट रहा है, लेकिन मेरे बाण से इसका रथ तो कई गज पीछे चला जाता है। तब ऐसे में श्री कृष्ण मुस्कुरा देते हैं। तभी अचानक कर्ण के रथ का पहिया भूमि में धस जाता है। इसी मौके का लाभ उठाने के लिए श्री कृष्ण अर्जुन से तीर चलाने को कहते हैं। बड़े ही बेमन से अर्जुन असहाय अवस्था में कर्ण का वध कर देता है। लेकिन बाद में कौरव अपना उत्साह हार बैठते हैं, उनका मनोबल टूट जाता है। फिर शल्य प्रधान सेनापति बनाए जाते हैं।
परंतु उनको भी युधिष्ठिर दिन के अंत में मार देते हैं। कुरुक्षेत्र के अंतिम दिन श्री कृष्ण ने अर्जुन से पहले रथ से उतरने को कहा, उसके बाद श्री कृष्ण खुद उतरे। कृष्ण ने हनुमान जी को धन्यवाद दिया कि उन्होंने अर्जुन की रक्षा करी, लेकिन जैसे ही हनुमान जी अर्जुन के रथ से उतरे वैसे ही रथ में आग लग गई। यह देखकर अर्जुन हैरान रह गए। कृष्ण ने उन्हें बताया कि कैसे हनुमान जी ने उनकी दिव्य अस्त्रों से रक्षा करी। यदि हनुमान जी रथ पर विराजमान ना होते तो तुम और मैं कर्ण के बाण से इस रथ सहित कहीं आसमान में उड़ गए होते। तब अर्जुन को समझ आया कि कृष्ण कर्ण की क्यों प्रशंसा कर रहे थे। इसी तरह की अन्य कथाएं, व्रत कथाएं और उपाय जानने के लिए हमारा चैनल वास्तुशास्त्र सब्सक्राइब करें। नमस्कार।